welcome you all in our channel dr. agriculturist. i am devendra chaudhary. in this video, we are going to discuss about various diseases of P like downy mildew, powdery mildew and rust. the disease will be discussed on the following topics like causal organism, symptom, etiology, disease cycle, favorable condition and management. दिस इज फॉर द कोर्स डिजेस ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट टू अब देखते हैं हम डॉनिमिल डॉनिमिलडियो ऑफ पी इज कॉज्ड बाई अ फंगस पेरोनोस्पोरा वी सी सिम्टम ग्रेइस वाइट मोल्ड ग्रोथ अपियर्स ऑन द लोअर लिव सरफेस एंड येलो एरिया अपियर्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अपर लिव इन्फेक्टेड लीव्स टर्न येलो एंड डाई स्टेम्स में बी डिस्टोटेड एंड स्टंटेड ब्राउन ब्लॉचेज अपीयर्स ऑन पॉड एंड मॉल्स मे ऑल्सो ग्रो इन साइड द पॉड सो पॉडी मिल्ड्यू जिस प्रकार से ईजी है वैसा ही डाउनी मिल्ड्यू भी है इसमें क्या होता है लीव के लोअर सरफेस में हमें फंगस का ग्रोथ दिखाई देता है और इसी के जस्ट ऊपर में मतलब ऊपरी सरफेस में येलोविंग होती है उसके बाद पैथोजन के इन्फेक्शन के कारण जो पौधा है उसका फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाता है और ऐसे पौधे स्टंटेड रह जाते हैं बौने रह जाते हैं और ऐसी ब्राउन कलर के मोल्ड या फंगस पॉट्स में भी डेवलप होते हैं जिसके कारण से जो सीड है वो स्मॉल रह जाता है और श्रिवल्ड हो जाता है मतलब कि जूरीदार हो जाता है जिसके कारण से हमें इल्ट बहुत कम प्राप्त होता है इटियोलॉजी पेरेस्पोरा बिलोंग टू सब डिविजन मेस्टिकोमाइकोटिना एंड इट इज अ बायोट्रॉफ फंगस मतलब कि ये केवल लिविंग टिश्यू से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करता है यह डेड टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन नहीं ले सकता इट हैज हाईलाइन सिनोसिटिक एंड इंटरसेलर माइसिलियम जैसे कि ये सेल है तो इसके माइसिलियम सेल के बीच में ग्रो होते हैं और होस्टोरिया के द्वारा ये प्लांट सेल से न्यूट्रीशन लेते हैं इसके माइसीलियम का जो कलर है वो हाइलाइन होता है कलर लेस होता है और इसमें क्रॉस वॉल प्रेजेंट नहीं होता है इसमें फिंगर शेप्ड का हॉस्टोरिया बनता है ऐसे टाइप का दिखता है इसका जो हॉस्टोरिया है वो इस प्रकार से दिखाई देता है इसमें एसेक्सुअल स्पोर स्पोरजियो स्पोर बनते हैं और इनमें स्पोरेंजियो फोर बनता है स्पोरेंजियो फोर डाइकोटेमसली होता है लॉन्ग होता है और हाई होता है जैसे कि ये स्पोरेंजिया है तो ऊपर जाएगा और दो भाग में डिवाइड हो जाएगा फिर से ये दो भाग में डिवाइड होगा इस प्रकार से इसमें डाइकोटमसली ब्रांचिंग होती है और इसमें स्पोरेंजिया बनता है स्पोरेंजिया हाई लाइन होता है थिन वाल्ड होता है इसके जो वाल होते हैं वो पतले होते हैं और ये जब जर्मिनेट होते हैं तो जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं इसका जो स्पोरेंजियो है इस प्रकार से दिखाई देता है ये गया ये दो भाग में डिवाइड हो गया फिर ये दो भाग में डिवाइड हो गया यह कहलाता है डाईकोटेमसली ब्रांचिंग और इसका जो स्पोरेंजिया है वो डायरेक्टली जर्मिनेट होता है इसके अंदर में जूस पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है सो ये याद रखने वाली बात है डाउनी मिल्ड्यू के जो अदर पैथोजेंस थे उसके इस्पोरेंजिया में जूस पोर बनते हैं लेकिन पेरनोसपोरा में जूस पोर्स नहीं बनता सेक्सुअल स्पोर्स उस पोर्स भी बनता है ये जो उस होते हैं वो ओवल होते हैं और थिक वाल्ड होते हैं और ये सर्वाइवल में भी हेल्प करते हैं अब हम देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में ये जो यहां पर दिया हुआ है आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं सो पैथोजन इन्फेक्टेड प्लांट डेबिस में सर्वाइव करता है फिर उस पोर्स जर्मिनेट होता है और प्लांट्स में इन्फेक्शन करता है इन्फेक्शन के बाद इसके माइसीलियम सेल्स के बीच में मल्टीप्लाई होते हैं और हॉस्टोरिया के द्वारा न्यूट्रिशन लेते हैं फिर ये स्पोरेंजिया बनाते हैं इसके जो स्पोरेंजिया होते हैं वो हवा या रेन के द्वारा दूसरे प्लांट्स में जाते हैं वहाँ पर फिर से इन्फेक्शन करते हैं और एक खास बात इसके जो स्पोरेंजिया होते हैं वो डायरेक्टली जर्मिनेट होते हैं और जूस पोर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं बाद में जब क्रॉप खत्म हो जाएगा उस कंडीशन में ये उस पोर्स बनाते हैं और उस पोर्स के फॉर्म में ये सर्वाइव करते रहते हैं अब देखते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में मोर देन 90% परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर फिफ्टीन टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड इंटरमीडिएंट रेन और क्लाउडी वेदर मैनेजमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज वी शुड अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक सैनिटेशन ऑफ द फील्ड क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट समर डीप फ्लोइंगशन ऑफ वीड होस्ट स्प्रे ऑफ द केमिकल्स लाइक फोसेटाइल एल्यूमिनियम जीरो पॉइंट टू परसेंट और मेटालेक्सिल जीरो पॉइंट टू परसेंट वी कैन ऑल्सो स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अब देखते हैं पाउडरी मिल ड्यू आप पी पाउडरी मिल ड्यू आप पी इज कॉज्ड बाई अ फंगस इरीसिफी पी सी सिम्टम वाइट स्पेक्स डेवलप ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ लेटर दीज स्पेक्स इन लार्ज एंड कवर द इंटायर लीफ लेमिना पाउडरी ग्रोथ स्प्रेड ओवर द स्टेम्स एंड पॉड द लीव्स टर्न येलो डाई एंड डिफोलियड प्लांट रिमेन वेरी स्मॉल एंड सीड्स गेट श्रीवर्ल्ड दीज पाउडरी मास आर माइसिलियम एंड द कोनीडिया ऑफ द पैथोजन सो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है अब तक हम बहुत सारे पाउडरी मिल्ड के बारे में देख चुके हैं और आपको अच्छे से याद हो चुका है कि ये पाउडरी मिल्ड्यू कैसे दिखाई देता है कैसे डेवलप होता है ये है इसके सिम्टम जो भी लीफ है उसके ऊपर में ये पाउडरी मास डेवलप हो जाते हैं और ये बाद में पॉड्स में भी डेवलप होते हैं इसके कारण से ये जो लीफ है उसमें येलोइंग हो जाती है नेक्रोसिस होता है और ये पत्ता समय से पहले मर जाता है और गिर जाता है अब देखते हैं ईटियोलॉजी ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू फंगस इट बिलोंग टू सब डिविजन एस्कोमाइकोटिना एंड द माइसिलियम ऑफ द फंगस इज सेप्टेड ब्रांच एंड सुपरफिशियल ग्रोथ ऑन द होस्ट इट टूक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बाई होस्टोरिया इसके जो माइसिलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं ब्रांच होते हैं और ये होस्ट के सरफेस के ऊपर में प्रेजेंट होता है यह फंगस होस्ट के सेल में इंटर नहीं करते हैं और ये न्यूट्रिशन लेने के लिए हॉस्टोरिया बनाते हैं और हॉस्टोरिया के द्वारा ये पौधे से न्यूट्रिशन गेन करते हैं ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स आर फॉर्म इन द चेन ऑन कोनिडियोफोर। फोर आर बैरल इनसेप्टलाइन एंड सिंगल सेल्ड को फोर्स आर सिंपल अनब्रांच एंड नॉन सेप्टेड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जैसे कि ये प्लांट का सरफेस है तो इसके ऊपर में ये जो माइसीलियम है वो प्रेजेंट है ये माइसीलियम प्लांट के सेल के अंदर नहीं जाते हैं बल्कि ये हॉस्टोरिया बनाते हैं और इस हॉस्टोरिया के द्वारा प्लांट से न्यूट्रिशन गेन करते हैं और ये हो गया इसका कोनीडियो फोर कॉनिडियो फोर में ये कोनीडिया है और ये कॉनिडिया हमेशा चैन में बनते हैं ये है इसके कॉनिडिया जो पाउडरी के कॉनिडिया होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं क्यों क्योंकि इसमें सेवेंटी परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है यह है इसका क्लिस्टोथिसिया। क्लिस्टोथिसिया के अंदर में एस्कस बनते हैं और एस्कस के अंदर में एस्कोस्पोर बनते हैं और इस क्लिस्टोथिसिया में एक अपेंडेजिस प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंपल है इसे माइसेलोइड अपेंडेजिस कहते हैं एक एस्कस के अंदर आठ एस्कोस्पोर बनते हैं अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में टे प्लांट डेबरिस इन दम ऑफ क्लिस्टोसिया फिर क्लिस्टोर होता है और एस्कोस्पोर बाहर आते हैं फिर यह एस्कोस्पोर लोअर लिफ में इन्फेक्शन करते हैं और सिम्टम हमें दिखाई देता है इसे डिजीज साइकिल के रूप में समझते हैं पैथोजन सर्वाइव इन द क्रॉप डेवरिस एज कलिस्टोथीसिया क्लिस्टोसिया से एस्कोस्पोर बाहर आता है एस्कोस्पोर लिफ में इन्फेक्शन करता है इन्फेक्शन के बाद सिम्टम दिखाई देता है सिम्टम के बाद ये जो कॉनिडिया बनाते हैं कोनीडिया हमेशा चैन में बनते हैं और ये कोनीडिया विंड्स के द्वारा दूसरे प्लांट्स के लीफ में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं बाद में जब क्रॉप खत्म होता है उस समय ये जो पैथोजन है वो क्रिस्टोथीसिया बनाता है और क्रिस्टोथीसिया के अंदर में ये एस्कस और एस्कोस्पोर होते हैं और ये सर्वाइव करते रहता है फिर ये अगले सीजन में एज अ प्राइमरी इनोकुलम एक्ट करेगा तो ये हो गया इसका डिजीज साइकिल अब देखते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में टेम्परेचर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई वेदर रेन डैमेज द कोनीडियो फोर सो इसके लिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए और इसके लिए ड्राई वेदर चाहिए अगर ज्यादा मात्रा में वाटर होगा या फिर रेन आता है तो ये पैथोजन के लिए हानिकारक होता है आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज फॉर एनी डिजीज वी शुड ऑलवेज एडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट हमें एक ही खेत में एक ही क्रॉप बार बार नहीं लेना चाहिए समर डीप प्लोइंग समर के महीने में हमें डीप प्लोइंग करनी चाहिए इससे क्या होता है जो पैथोजन सॉइल में प्रेजेंट है वो ऊपर आते हैं और सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं और सन की गर्मी से ये मर जाते हैं ग्रो रजिस्टेंट वेराइटीज स्प्रे सल्फेक्स आर बेवेस्टिन आर कैराथेन आर इथीरिमोल अगर डिजीज बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है तो हम इस केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं अर्ली वेराइटीज एंड अर्ली सोइंग रिड्यूस द डिजीज सिवियरटी हमें ऐसे वेरायटी को चूज करना चाहिए जिसका ड्यूरेशन शॉर्ट हो और हमें हमेशा जो सोइंग है वो अर्ली करना चाहिए अक्टूबर के महीने में हमें सोइंग कर ही देना चाहिए अगर हम लेट में सोइंग करेंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऑलवेज ग्रो डिजीज फ्री एंड सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रॉय द इंफेक्टेड क्रॉप डेबरीज टू रिड्यूस द प्राइमरी इनोकुलम हमें पिछले सीजन के जो क्रॉप बचे हुए हैं खेत में उसे जला देना चाहिए रस्ट डिजीज इन पी पी रस्ट इज कॉज बाई यूरोमाइसिस फेबी सिम्टम द फर्स्ट सिम्टम अपियर एज टाइनी वाइटिस स्लाइटली रेस्ड स्पॉट्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव सो ये जो रस्ट का सिम्टम होता है उसमें हमेशा थोड़ा सा उभरा हुआ स्पॉट्स बनता है ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पैथोजन होता है वो प्लांट सेल के अंदर मल्टीप्लाई होता है और इतना ज्यादा मात्रा में स्पॉट्स बनाता है कि ये जो पौधे का ऊपरी सरफेस है वो थोड़ा सा उभरा हुआ हो जाता है एज द इन लार्ज दीज स्पॉर्ट्स टन पाउडरी एंड ऑरेंज आर ब्राउन इन कलर एंड आफन सराउंडेड बाई लाइट हेलो जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करता है तो ये जो इस्पोर्ट्स हैं वो पाउडरी हो जाते हैं पाउडरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो फंगस के स्पोर्ट्स हैं वो बनते हैं जो हमें पाउडर के जैसे दिखाई देते हैं और इनका कलर ऑरेंज या ब्राउन कलर का हो जाता है इस्पोर्ट्स के चारों तरफ की जो कोशिकाएँ हैं वो पीली पड़ने लगती हैं

एंड प्लांट डाई प्रीमेच्योरली दफेक्टेड प्लांट ड्राइज विदाउट फार्मिंग एनी सीड्स आर विद स्मॉल सो इन्फेक्टेड पौधे में जो लीब्स हैं वो झड़ जाते हैं और पौधा मर जाता है इन्फेक्टेड पौधों में सीड नहीं बनता है और अगर सीड बनता भी है तो वो छोटे और झुर्रीदार होते हैं यह है इनके स्पॉट्स जो कि लिप्स के लोअर साइड में है बाद में ये अपर सरफेस में भी बनते हैं स्टेम्स में भी बनते हैं और पॉट्स में भी आते हैं अब देखते हैं यूरोमाइसिस का इटियोलॉजी द फंगस बिलोंग टू सब डिविजन बेसिडियोमाइकोटिना दे हैव हाईलाइन सेप्टेट एंड ब्रांच माइसिलियम सो इसके माइसिलियम जो होते हैं वो सेप्टेट होते हैं ब्रांच्ड होते हैं और हाईलाइन होते हैं मतलब कि ये कलरलेस होते हैं दे फॉर्म एसीपोर एसीपोरस आर इलेप्टिकल एंड येलो इन कलर तो ये जो इनके एसियोस्पोर होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं दे ऑल्सो फॉर्म यूरोडोस्पोर यूरोडोसपोरस आर ओवल एंड लाइट ब्राउन इन कलर एंड हैव स्पाइन ऑन द वॉल तो यूरोडोसपोर भी ओवल होते हैं लाइट ब्राउन कलर के होते हैं और इनके वाल में छोटे छोटे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं दे फॉर्म टीलियोस्पोर टिलियोस्पोर्स आर ओवल एंड थिक वाल्ड। सो ये जो टीलियोस्पोर होते हैं वो भी ओवल होते हैं और इसके जो वाल होते हैं वो थिक होते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि जो टीलियोस्पोर होता है वो सर्वाइविंग स्ट्रक्चर है होस्ट के एब्सेंस में ये सॉइल में क्रॉप डेवर इसमें लंबे समय तक सरवाइव करता है इसीलिए इसके जो वाल होते हैं वो मोटे होते हैं सो so, ये जो रस्ट होते हैं वो मैक्रोसाइक्लिक होते हैं और ऑटोसियस होते हैं मैक्रोसाइक्लिक मतलब कि ये पांच टाइप के स्पोर्स बनाते हैं कौन कौन से स्पोर्स पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं याद रखने का इसका कोड है पापा जी यू टीवी दिखाओ पिकनियोस्पोर एसियोस्पोर यूरोडोस्पोर, टिलियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर सो यूरोमाइसिस फेबी में ये पांच टाइप के स्पोर्स बनते हैं इसीलिए इसे मैक्रोसाइक्लिक कहते हैं अगर इनमें से कोई एक स्पोर्स एब्सेंट होता है तो उस जीनस को माइक्रोसाइक्लिक कहते हैं और ये ऑटोसियस होते हैं इसका मतलब है कि ये एक ही क्रॉप में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं मतलब कि ये जो पांच स्पोर्स हैं वो एक ही क्रॉप में प्रेजेंट होता है इसीलिए इसे ऑटोसियस कहते हैं कुछ रस्ट ऐसे भी होते हैं जो हैट्रोसियस होते हैं जैसे कि वीट रस्ट ये वीट में और बारबेरीज में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं इसीलिए इन्हें हेट्रोसाइकिल कहते हैं लेकिन यूरोमाइसिस फेबी एक ऑटोसियस रस्ट है अब देखते हैं इसके डिजीज साइकिल के बारे में सो so, इसके जो पैथोजन है वो क्रॉप डेब्रिस में एज अ टीलियोस्पोर के फॉर्म में सर्वाइव करते रहता है टीलियोस्पोर इसका ओवल होता है और थिक वाल्ड होता है फिर इसमें जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के बाद ये बेसिडियोस्पोर बनाता है ये बेसिडियोस्पोर हवा में उड़ते हुए जाता है और फिर क्रॉप में इन्फेक्शन करता है इन्फेक्शन के बाद ये पैथोजन प्लांट्स में मल्टीप्लाई होते हैं और हमें सिम्टम दिखाई देता है फिर ये पिकनियोस्पोर बनाते हैं ये पिकनियोस्पोर एसियोस्पोर बनाते हैं फिर ये एसियोस्पोर दूसरे प्लांट के लीफ में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं तो ये जो एसीपोर पहली बार बनता है वो उड़ते हुए जाता है दूसरे पत्तों में वहाँ पर इन्फेक्शन करता है और वहां पर फिर से एसियोस्पोर बनाता है तो ये जो साइकिल है इसी को कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल फिर एसियोस्पोर से यूरोडोस्पोर बनता है और यूरोडोस्पोर के बाद में टिलियोस्पोर बनता है फिर यह टिलियोस्पोर क्रॉप के एब्सेंस में सर्वाइव करते रहता है इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है अब देखते हैं इसके फेवरेबल कंडीशन के बारे में ऐसे कंडीशंस जिसमें डिजीज ज्यादा मात्रा में आती है ई ह्यूमिडिटी क्लाउडी डेज ड्रिजलिंग्स टेम्परेचर सेवनटीन टू ट्वेंटी टू डिग्री सेंटीग्रेड सो इन सब कंडीशन में डिजीज ज्यादा मात्रा में आती है और ये जो डिजीज है वह फ्लावरिंग या फिर अर्ली पॉडिंग स्टेज में ज्यादा मात्रा में आता है मैनेजमेंट ऑफ पी रस्ट वी शुड अडोप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू मैनेज द रस्ट डिजीज इन पी जैसे कि यूज ऑफ हेल्दी सीड्स फ्रॉम सर्टिफाइड सोर्स हमें हमेशा हेल्दी सीड्स ही ग्रो करने चाहिए चूज रजिस्टेंट वेरायटी अगर कोई रजिस्टेंट वेरायटी अवेलेबल है जो कि रस्ट के अगेंस्ट में रजिस्टेंट है तो हमें उसे ग्रो करना चाहिए क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट कीप द फील्ड क्लियर ऑफ वीड एंड वॉलेंटियर प्लांट्स हमें फील्ड को साफ सुथरा रखना चाहिए और अगर वीड्स आते हैं तो उसे रिमूव कर देना चाहिए मॉनिटर द फील्ड फॉर साइन ऑफ डिजीज हमें फील्ड का सर्वे करते रहना चाहिए और अगर फील्ड में हमें डिजीज दिखे तो उसे रिमूव कर देना चाहिए स्प्रे प्रोपिकोनाजोल और ट्राइडेमोर्फ अगर कंडीशन डिजीज के डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल है तो हमें प्रोपिकोनाजोल या ट्राइडेमोर्फ का स्प्रे करना चाहिए अप्लाई ऑर्गेनिक मैन्योर टू बूस्ट प्लांट इम्यूनिटी हमें ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मिनयोर देना चाहिए जिससे कि पौधे का जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगा अवॉइड मोनोकल्चर हमें बार-बार पी का प्लांट एक ही फील्ड में नहीं लेना चाहिए सीड ट्रीटमेंट विथ थाइरम सो ये जो पैथोजन है वो सीड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं इसीलिए हमें थाइरम से सीड्स को ट्रीट करना चाहिए उसके बाद ही उसकी सोइंग करनी चाहिए प्लीज वॉच मोर You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Ketiki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.